आइए क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। यही ना है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आज इसी के बारे में आपको जानकारी लेना है। देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। याद है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? धारा समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। आपको याद होगा धन आवेश किसे कहते हैं? का। जब किसी परमाणु से या जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर किसका चिन्ह आता है? धन आवेश। आपको याद होगा ऋण आवेश, जब कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर किसका चिन्ह आता है? ऋण आवेश का चिन्ह आ जाता है। उसके बाद से आप पढ़े होंगे चालक। क्या पढ़े होंगे? चालक। तो चालक के बारे में पूछेगा तभी बता सकते हैं। चालक वे होते हैं जिसके अंदर आवेश प्रवाहित किया जा सकता है। उसके बाद से आप पढ़े होंगे अचालक, है क्या? लोहा सोडियम वगैरह लिख सकते हैं। अचालक वे होता है जिसके अंदर हम लोग आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक कांच वगैरह बता सकते हैं। एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक वो होता है जिसके अंदर हम लोग चालक का चालक दोनों का गुण पाया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम आप देख सकते हैं। 7 नंबर आ जाइए। उसके बाद से आपसे ये पूछा जाता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, चलो भाई इसी के आप आज जिक्र करेंगे। कूलाम के नियम क्या होता है तो देखिए, पहले हम आपको बता दें कूलाम के नियम में। सब लोग साहब की कॉपी लेकर आए हो ना? अपने पास रख लो। कहाँ कॉपी है? पेपर का मतलब वही होता है कि कॉपी अपने पास रखे रहिए, आपको पढ़ाया जाता है उसको, केवल आप देखते रहिए, पूरा आपको याद होता रहेगा। नहीं लेकर आएंगे तो बहुत दुर्भाग्यशाली आप होंगे। आइए, नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, क्योंकि जब जब पेपर होगा तब तक रिपीट किया जाएगा। आपके पास कॉपी रहेगा तो उससे आप पढ़ते रहेंगे, नहीं रहेगा तो मजा नहीं। आइए, कूलाम का नियम क्या कहता है कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है कूलाम का नियम। याद करो सब लोग, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, मान लें कि यहाँ पर बिंदु आवेश है Q1 और एक यहाँ पर बिंदु आवेश है Q2 और इसके बीच की दूरी क्या है? R। तक किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण कब होगा? जब एगो प्लस में होगा, क्या होगा? माइनस में। प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों प्लस में। तक इन्हें दो बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण या वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो 1/4π0 × Q1 Q2 बटा में क्या आता है? आर स्क्वायर। देखो हम बता देते हैं, पहले जब भी कूलाम का नियम आएगा लिखने के लिए तो खूब बढ़िया सा चित्र बनाइएगा इस तरीके से और दिखाइएगा कि यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, इसका बीच का दूरी आर है। और तब लिखिएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल या आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप लिख सकते हैं बराबर 1/4π0 × Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। लिखो करके दिखा देंगे, तिनको आराम से पढ़ते रहना। समझ रहे हो? कुछ याद हुआ? अच्छा, मान लो कि दे दिया गया कूलाम का नियम, सिद्ध करिए, हो जाएगा? फिर भी हम बता देते हैं, कूलाम का नियम को सिद्ध करना, तनिया आराम से। हाँ तो करता होगा ना, 10 वाले करता खूब उड़ाए हैं कल का, अब 12 वाला काज बारी है। आओ क्या करेंगे, दो को आवेश दिखा देंगे आप, Q1 Q2, आज के बीच की दूरी क्या कर देंगे? आपने देखा है कि जो बल होता है, अच्छा उसमें डाटा में लिखिएगा कि माना कि दो बिंदु आवेश है Q1 और क्या है Q2 है, इनके बीच की दूरी क्या है? बलिराम, आज इसको अच्छा से पढ़ो, बात करोगे पेपर रद्द हो जाएगा, अच्छा से ना लिखा पाएंगे, एकदम ध्यान से समझो। अच्छा समझो, जितना पढ़ाया जाएगा वही आया है,
बात याद रखें। तो हमारे पास दो बिंदु आवेश है जिसका माने प्रतीक या जिसका मान Q1 और क्या है Q2, इनके बीच की दूरी क्या है R है, ये डाटा में लिख लेना ठीक है। तब उसमें दिखाना कि जो बल होगा वह आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। समीकरण में क्या मान लेंगे, जो बल होगा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, समीकरण में क्या आ जाएगा। तो सिंपल बात है, जो बल होगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती समीकरण नंबर एक, और जो बल होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती समीकरण नंबर दो। तब क्या लिखेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, तो यह समानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये आ गया ये आप समानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, सीध हो गया। अगर आप इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर लिख देते हैं यह बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बोलिए, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें सीध हो जाएगा, मिटा दे इसको ठीक है। अब सुनो, सब लोग के पास कॉपी होगा, सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, यहाँ पर पढ़े हैं, सबके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो पेपर के बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा, चार पार्ट बता दें। चलो कूलाम के नियम भी हम लोग पढ़ लिए, अब आते हैं कूलाम के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे ठीक है। एट नंबर आ जाओ टॉपिक, कूलाम के नियम पर आंकी, कुछ हम लोग आंकी को क्या करेंगे लगा। तो उसमें देखो कहेगा ना कि नहीं दो बिंदु आवेश का मान दे दिया आपके, दो 10 कूलाम है 20 कूलाम है, उनके बीच की दूरी 50 मीटर है या 50 सेंटीमीटर है, दो बिंदु आवेश है 10 कूलाम और का है 20 कूलाम, तो आप Q1 का मान 10 कूलाम लिख देंगे, C का मतलब कूलाम, और Q2 का मान मान लो 20 कूलाम है तो Q2 का मान क्या लिख देंगे 20 कूलाम, और इनके बीच की दूरी मान लो दे दिया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लिख लो। अब आप इसको मीटर में तो बदलोगे, तो मीटर में क्यों ना बदलोगे, 50 गुणे 10 किलो माइनस 2 मीटर आ जाएगा आर के मान, आर के मान क्या हो जाएगा 50 गुणे 10 किलो माइनस 2 मीटर हो गया। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है हाँ बल निकालना, तो यह बराबर क्या होता है 1/4π ε₀ Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, या पूरा का मान। बहुत प्रैक्टिस किए हैं आप, कई बार इसका टेस्ट भी दिए हैं, 9 गुणा ये ना कुल तैयारी हमने के पेपर में अच्छा लगता है, जो मन से दिया होगा आज उसका पेपर खूब अच्छा जाए, ये सब तैयारी करके कर टेस्ट होता है, तो तुम लोग दिए हो कुछ सब लिखा जाए। चला कि मान है क्या सेंटीमीटर का, हमेशा देखो कोई भी फिजिक्स में सवाल लगाना उसको MKS में जरूर बदलना, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो है तो हो गया, Q1 का मान कितना है 10 लिख लो, Q2 का मान 20 लिख लो। अच्छा यहीं से आप बट्टा में कर लो, R का मान कितना है 50 गुणा 10 को मान लो, लेकिन देखिए ना दोनों स्क्वायर है तो आप डबल आप इसको लिखेंगे क्या जाएगा। अच्छा आई 10 से काट दो, 5 बार में काटना जानते हैं ना, अरे 10 बजा 50, अच्छा आई काट दो 4 बार और काटोगे, दो से काटोगे तो दो बार में, तो एक काटे पड़े ना दो से तो 25 बार में ही, तो हमारे पास बच गया 9 गुणे 2 18 गुणा आई 9 है ना, तो 10 के पावर 9 और नीचे 25 बचा है, एक अगले के चले के माइनस दो प्लस 4 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो ठीक है। तो 18 गुणे 9 4 कितना हो जाएगा 13, 10 के ऊपर 13 बटा में कहाँ आ गया 25, भाग दे देंगे तो देखो भाग कैसे देना, 18 को अंदर रखना 25 को बाहर, दसवां बढ़ा दोगे 0 हो जाएगा, और 25 छक्के कितना होता है 25 सत्य 175 होता है, होता है ना 25 अगर तो 25 सत्य 175, अब 10 में 5 गया 5, ये कैंसिल एक 0 बढ़ा सकते हैं, दसवां बढ़ाएंगे तो 25 दुना क्या आ गया 50, तो 7.2 गुना, अच्छा सभी 0.72 लिख देना, 0.72 अगर गुणे 10 के ऊपर 13, अब बल निकाले हैं तो क्या हो जाएगा न्यूटन। बोलो क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन, मनुष्य में लिखा होगा कि दो बिंदु आवेश हैं, तो एक Q1 मान लीजिएगा Q2 मान लीजिएगा, उसके बीच का दूरी कहेगा तो R मान लीजिएगा, लेकिन सेंटीमीटर में होगा तो आप उसको मीटर में चेंज करिए। हालांकि हम कोशिश किए हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिया जाए कि आपको कोई दिक्कत ना हो लिखने में, क्योंकि आप एक ही महीना पढ़े हैं, एक महीना 20 दिन पढ़े ही हैं,
तो इसीलिए आपको 47 सेंटीमीटर होगा। तो और भी अगर दिया जाए तो लग सकता है इसमें ना, सेंटीमीटर में जब भी रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर दे दिया, एक सवाल है कि वन का मान मान लीजिए 10 माइक्रो कूलम, क्यू टू का मान दे दिया 20 माइक्रो कूलम, और आर का मान लीजिए मान लो 100 सेंटीमीटर, तभी तो बन ही जाएगा। अच्छा पहले देखो माइक्रो का हटाना बड़ा ज़रूरी है, ये जो माइक्रो आप देख रहे हैं इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम है, और ये कहा होगा 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम है, और आर का मान 100 सेंटीमीटर है। तो आप आराम से सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, हमेशा 10 को माइनस 2 लिख देते हैं, और उसके बाद से आप इसी फार्मूला पर क्या करिएगा, रख दीजिएगा, आ जाएगा। बस समझ गए, बता भी देते हैं आप, तो मिटा दें सब, खाली आप सीखते चलिए बस। देखिए तो क्या करेंगे ना, ये अब बराबर होता क्या है, 1/4 एप्सिलॉन 0 की 1 क्यू 2 बटा में आर स्क्वायर, यह पूरा का मान लिखा जाएगा 9 गुणे 10 के ऊपर 9 की 1 का मान क्या है 10 गुणे 10 के माइनस 6। अच्छा ये घटा दो ना, माइनस 6 है तो ये घट जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 5, और ये भी घट जाएगा तो 10 के पावर माइनस 5 20 है, एक मिनट, तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 एक 10 कम हो जाएगा। अच्छा अभी तो कट के 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 एक एक नहीं एक होगा, 0 नहीं, 10 के ऊपर 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2, तो आई 10 के ऊपर 2 और माइनस 2 कट गया, 10 के ऊपर 0 इसका मान 1, कब 0 मत कहना, 1 हो गया। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 दुना कितना 18 गुणे, और 5 कितना हो गया 10, 9 गुणे 10 के ऊपर माइनस 10, और 18 गुणे माइनस 10 में से 9 हो जाएगा 10 गुणे माइनस 1 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका बना लोगे सब लोग, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होना चाहिए, मिटा दे इसको। तीनों टॉपिक आपने कवर किया तुरंत, कोई ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं। अब हम आते हैं 9वां पर, जिसका नाम होगा वैद्युत बल रेखाएं। पहले ही पढ़ा देते हैं आपको, आइए तब वैद्युत क्षेत्र कर देते। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत बल रेखा क्या है, तो अबे बता रहा है, बताओ तो जी अबे बोल बैठे नहीं तू, अच्छा वैद्युत बल रेखा क्या होता है, एक बार देख के बोल दो। अरे वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो धन आवेश से निकलती है, याद था लेकिन इतनी गड़बड़ हो जाता है कोई बात। हाँ तो देखो ना, ये धन आवेश है ना, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है, प्रतीत होगी इस तरीके से, देख रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, प्रतीत होगी धन आवेश, और अगर ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से, अंदर की तरफ जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है इस तरीके से। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो अंदर की तरफ से जाती हुई प्रतीत होती है, और ये बाहर की तरफ निकलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं वो होती है जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, लिखा जाएगा इतना। अच्छा इसका गुण का क्या होता है, इतना तीन चार का गुण आप जरूर आप लिखिएगा, ये 9 नंबर आपका टॉपिक हो जाएगा, वैद्युत 9 तथा 10 हो जाएगा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आराम आराम से पढ़िए, चारों गुण पाठ है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैद्युत बल रेखाओं का पहला तो गुण ये होगा कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में क्या होती है, समाप्त होती है। सिंपल सी बात आपकी थी, ये आप बता सकते हो जाएगा। अच्छा दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती है कभी नहीं, आकाश तो आप लोग एकदम रिविजन करते चलिए फटाफट, ठीक है ना, कापी पे जो लिखे होंगे सामने निकाल लीजिए, देखते रहिए। ये वैद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। वैद्युत बल रेखाएं जब मान क्षेत्र के पास रहती है तो प्रबल होती है, दूर होती है तो दुर्बल होती है, आज सब क्या होती है एक दूसरे के समांतर होती है, काल्पनिक तो होती है समांतर भी होती है। अच्छा अब आ जाओ वैद्युत क्षेत्र, नया टॉपिक आपका है, ये समझ गए होंगे आप लोग, टॉपिक नंबर 10 हो गया, 11 नंबर अच्छा दो तरीके से बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वह होता है जहाँ तक हम लोग वैद्युत बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। वैद्युत क्षेत्र वह होता है
जहाँ पर हम लोग वैद्युत बल रेखाओं का क्या करते हैं अनुभव करते हैं, समझ रहे बात को, या ऐसे बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को इससे प्रदर्शित करते हैं ना बल और परीक्षण आवेश को, या केवल आवेश भी लिख सकते हैं, इसके भी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो ये आपको क्या कहते हैं बल और के को क्या कहते हैं आवेश, तो बल और आवेश के अनुपात को भी हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं और इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं ई से, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम बता देंगे इसमें, तो न्यूटन प्रति क्या होता है कूलम होता है, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा अब आइए कुछ और हम लोग आगे देखते हैं कि अगर कोई पूछता है वैद्युत क्षेत्र था, अब यहाँ से टॉपिक नंबर 12 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सब लोग समझेंगे। अच्छा आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आपको बता देते हैं, सूत्र होता है इधर लिख देते हैं E बराबर 1/4π ε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, लेकिन आपको कैसे सीट करके लाना है इसको, देखो आज हम लोग फटाफट पढ़ रहे हैं बहुत फास्टली, कोशिश आप करेगा जितना स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपके पास दिमाग बहुत है, ठीक है वो दिमाग का यूज कर दीजिए उतने स्पीड से पढ़ने के, जितना स्पीड से आपको पढ़ाया जा रहा है उतना स्पीड से पढ़ने का प्रयास आप करें, समझ रहे हैं। चलिए तो आप उसको सीध करना है, सब लोग सीध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप सीध करने के लिए यहाँ पर दो आवेश लेंगे, एक लेंगे क्यू और एक लेंगे क्यू जीरो, आइस के बीच के दूरी को आप उसमें लिखेंगे कि माना कि दो आवेश हैं, एक क्यू है और एक क्या है क्यू जीरो, क्यू जीरो क्या कहते हैं हम लोग परीक्षण आवेश, आइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हाँ, तब आप लिखेंगे कूलम के नियम से, कूलम के नियम से क्या बराबर 1/4π ε0 इंटू क्यू क्यू जीरो मटा में आर स्क्वायर समीकरण नंबर, या बराबर 1/4π ε0 क्यू क्यू जीरो बटा में आर स्क्वायर, अब आइए क्यू जीरो के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्यू जीरो के कारण वैद्युत क्षेत्र, और अभी आपने लिखा भी है ई या ई बराबर या बटा क्या होता है क्यू जीरो, तो ई बराबर या बटा क्यू जीरो अपने पढ़ाए कि जहाँ एफ है जहाँ का है एफ है तो हाई पूरा लिख सकते हैं 1/4π ε0 इंटू क्यू क्यू जीरो बटा में आर स्क्वायर पूरा के बट्टा में, नीचे क्यू जीरो है ना तो क्यू जीरो, तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल तो आ जाएगा 1/4π ε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, तो ई बराबर इतना आपके पास आ गया, ई बराबर 1/4π ε0 क्यू बटा का आ जाएगा। इस पर भी सवाल आता है लगाने के लिए, तो दो चार सवाल देख लेते हैं हम लोग, मिटाएं इसको, सवाल लिखे ही होंगे कॉपी पर। चल हाँ सर्दी हो गया लगता है, फिजिक्स में यही होता है सर्दी हो जाता है, तो मान लो कि हमारे पास कहा कि एक आवेश है जिसका मान 10 कूलम दिया और इसके बीच की दूरी 20 मीटर दिया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जहाँ भी आवेश करेगा अगर एक आवेश होगा तो आप उसको क्यू कहिएगा, जहाँ दो आवेश होगा तब क्यू वन क्यू टू कहिएगा, एक आवेश होगा तो केवल क्यू लिख देता है, ठीक है दो आवेश जब कहेगा तो क्यू वन क्यू टू लिखते हैं, जब दूरी का आता है तो हम लोग आर लिखते हैं, कहा कि 10 कूलम का आवेश है तो क्यू का मान 10 कूलम है, मान लो उसके बीच की दूरी जो है कितना है 20 मीटर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है तो बता दूंगी, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ये होता है 1/4π ε0 इस पूरे का मान 9×10 का गुना क्यू का मान 10 आर का मान 20×20 ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दो, अब आपके पास क्या बचा है 9 और नीचे क्या करिए 2×2 4 हाई जाने को 0 बचा था ना, देखा न्यूमेरिकल में ये होता है क्या किया जाता है, भाई जान 0 बचा है उसको ऊपर लेकर चले जाओ 10^-1, अब भाई 9/4×9 में से जाएगा 10^8 9 में 4 से भाग दे
चार दोना आठ, नौ में साठ जाएगा एक दशमलव बढ़ा तो जीरो, चार दोना आठ, चार पचे तो आ जाएगा दो दशमलव दो, पाँच गुणा दस के ऊपर आठ, आई है तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति का आ जाएगा कूलम। ठीक है, बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत है? एक सवाल आप मुझे लगा के दिखाइए, क्यू का मान 20 कूलम है, आर का मान 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, बोलो क्या क्या दिए गए, आर सी का मान, क्यू का मान 20, आर का मान 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में डाल दो, तो 10 को माने तो लिख लो, आयु घटा दो 10 को माने से एक मीटर, तो कहाँ निकालना था ये, तो ये बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर, आई पूरा का मान नौ गुणा दस को पन्ना, आ क्यू का मान 20, आर के मान 10 को माइनस एक, इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होता है, अच्छा नौ दूना अठारह हो जाएगा 180 लिख लो, मैं 10 के ऊपर 9, हाई डबल लिखा आएगा, तो 10 को माने 2, तो 180 गुणा 10 के ऊपर 9 है, हाई जाएगा तो 10 के ऊपर प्लस, सर्दी हो गया, 180 गुणा 10 के ऊपर 9 तो कहता ना 11 होंगे लिखा सकेला, हे बलिया तुमसे कहा ना बात मत करो, और तुम दिन में बतियाओगे हम जानते हैं, आगे आगे बैठ जाओ यहाँ पर, तब बात नहीं करोगे तो वहाँ पर दिन में करते रहोगे, क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, बतियाना बहुत अच्छा लगता है। दशमलव आई जाए उठा के यहाँ पर कर दो, एक दशमलव आठ जीरो गुणा दस के ऊपर दो गुणा दस के ऊपर ग्यारह, एक दशमलव आठ जीरो गुणा दस के ऊपर ग्यारह दो तेरह, ए न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, अब कभी भी माता है न्यूटन प्रति कूलम लगे तो भैया बटा की होता लग गया, समझ में आया, मिटाए इसको, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा उसका नाम होगा वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव, तब चौदहवा देख लेना, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, चलिए रे पढ़ो यार, आधा घंटा हो गया पढ़ते हुए हम लोग को, उसके बाद से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, और वही यहाँ सोरा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, पहले इतना टॉपिक देखते हैं 13 से लेकर 16 तक का, आपको वैद्युत ध्रुव याद है, मुंह जबानी याद करो यार, का जब दो समान प्रकृति के समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो इससे जो संरचना बनता है उसको वैद्युत ध्रुव, उसमें एक धन होता है, क्या होता है, का कहा गया समान परिमाण के, परिमाण का मतलब 5 कूलम है तो 5 कूलम है, विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस रहेगा तो क्या रहेगा माइनस, दो आवेशों को बहुत पास रखा जाता है तो जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, उदाहरण में आपको क्या क्या हो सकते हैं, आप एच सी एल लिख सकते हैं, के सी एल लिख सकते हैं, जल भी लिख सकते हैं आप इसमें, आप सुनो आपने क्या कहा कि दो हमारे पास आवेश रहेंगे लेकिन परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में अलग, तो उसमें से अगर कोई आपसे पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कर, किसे कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, तो आवेश दो आवेश होंगे उसमें से एक आवेश और इनके बीच के जो दूरी होती है, चलो डी मान लेते हैं, उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा बीच में अगर ओ होगा तो इसको यल, और इसको भी क्या कहते हैं यल, तो पी बराबर क्यू इंटू टू एल, पी बराबर क्यू इंटू टू एल, यही होता कि आवेश माने दो आवेशों में से एक आवेश और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे पी से हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, हो जाएगा कोई दिक्कत है ना, अब आ जाओ
वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का आपको तैयारी है, सीट हो जाएगा। मैं सूत्र लिखता हूँ, ई बराबर 1/4π ε₀ और 2π/r³। सीट कर लोगे आप लोग, एक बार बता देते हैं कि आप दो आवेश लेंगे, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर ओ होता है, इसके बीच की दूरी एल, यह भी एल। और सुनो, अच्छी स्थिति में कह रहा है तो इसके अच्छी स्थिति में यहाँ पर एक बिंदु P ले लेंगे और यहाँ से इसकी दूरी R मानेंगे और यहाँ से इसकी दूरी R माइनस एल रहेगा, यहाँ से इसकी दूरी R प्लस एल हो जाएगा ना। तो आप पहले E बराबर E₁ - E₂ लिख सकते हैं या E₁ + E₂। तो E बराबर 1/4π ε₀ q/ 1 लीजिएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E₂ के जगह पर 1/4π ε₀। जब ये माइनस लगा दिए तो इसको प्लस के साथ लिखिएगा q/r + l का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, अब क्या करना है, पूरा कॉमन ले लेंगे, ये सेम है q सब में, तो हो जाएगा E बराबर q/4π ε₀ और 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर। अब वही q/4π ε₀ प्लस लेंगे r - l का होल स्क्वायर, r + l का होल स्क्वायर, तीसरा लीजिए गुणा करोगे r + l का होल स्क्वायर, r - l का होल स्क्वायर, q/4π ε₀, इसको तोड़ेंगे r² l² 2rl माइनस r² + l² - 2rl बटा में युगों में r² - l² इसका होल स्क्वायर। काट कूट करेंगे तो सीधे आपका आ जाएगा 1/4π ε₀ × 2π/r³। हो जाएगा ऐसे, आर से आई कर जाएगा, ऐसे आई कर जाएगा, तो बन जाएगा। अब सब कॉपी पर लिखेंगे, देख लीजिएगा। अच्छा, अगर निरीक्षीय में कहता जिसे लिखा गया है तो E बराबर 1/4π ε₀ और p/r³ आपका हो जाता, p/ का हो जाता r³। कोई दिक्कत है, मिटा दे सब। हाँ चलिए, निरीक्षीय वाला सीध हो जाएगा, निरीक्षीय वाला कहाँ आ जाएगा, सीध हो जाएगा। अब आते हैं टॉपिक नंबर हम लोग 17 के पास और गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय कहेगा और इसको सिद्ध करने के लिए खूब बढ़िया सब समझिए, क्योंकि एकदम पहला पार्ट में भिड़े हुए एकदम भिड़ंत हम लोग का है, कुदारी लेके हंसुआ लेके खुरपी लेके। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश और निर्वात के वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रश्न आपको आ सकता है कई बार बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर ना आई फिजिक्स में तो आज कई घंटे लगे तक आ, लेकिन तैयारी कर लो। किसी बंद पीछे से गुजरने वाला जो देखो 4 साल से बोर्ड में आ रहा है, हालांकि इस बार तो पेपर हुआ नहीं, इस बार भी आएगा एकदम निश्चित। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा कि आएगा। तो गॉस के प्रमेय में क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात के क्या होता है बराबर। अभी मत भूलना इसको, एकदम आपकी तैयारी φe = q/ε₀। इसी को ना वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, φe को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, iq को क्या कहते हैं आवेश, और इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश और निर्वात के वैद्युतशीलता का अनुपात के क्या होता है बराबर। और आप φe = q/ε₀ अगर आपको सीध करना है तो कर लेंगे। और एक पृष्ठ ले लीजिएगा, यहाँ पर एक क्षेत्र दिखा दीजिएगा ए, यहाँ पर आवेश q है, इसका बीच की दूरी क्या है r है। तो E बराबर क्या होता है, 1/4π ε₀ into तो चलो उसे ले लेता हूँ। अरे पहले डाटा में लिखना ना कि एक गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, आज इस पर आवेश क्यू रखा गया है, इसके बीच की दूरी क्या है आर है। अतः फाइ ई बराबर क्या पढ़े थे आप, ए इंटू ए। ये वैद्युत फ्लक्स होता है, ये भी याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र ई को क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, और ई को क्या कहते हैं क्षेत्रफल। वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के अधिश गुणनफल का क्या कहते हैं वैद्युत। चलो फाइ ई वही रख दो, तो पढ़ला बढ़ा। अच्छा एक काम करो, पहले एक चीन को हटाते हैं, तो यहाँ पर कास थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर 0° रख दो। रूल होता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है
तो आप इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, लिखा जाएगा। अच्छा जहाँ फाई ई है वही रखो, और जहाँ ई है अपने वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, और जहाँ ए है तो ब्रीथ है ना, तो फोर पाई आर स्क्वायर का जीरो का मान ए, तो फोर पाई आर स्क्वायर से फोर पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो खाली आपके पास क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। इस तरीके से आपका सीध हो गया, देख इम्पोर्टेंट है बहुत, बॉस का प्रमेय जब भी कहेगा सीध करने के लिए इसी तरीके से आप सीध करेंगे, कोई दिक्कत बोलो। अरे कापी में किसी से मांग करके लिख लेना, ठीक है ना, किसी से मांग लेना या दस कापी इसको दे देना पूरा लिख लेगा। आज पेपर के बाद तो फिर इसकी कोई कापी का मांग लाएगा नहीं, वो दे देना उसको लिख लेगा। अरे हो जाएगा गॉस का प्रमेय सीध। अब आ जाओ मिटाने इसको, हाँ अब सुनो, अब आपके आता है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो एक तो ये मैं अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा मालूम है आपको? जैसे तार एक बनाएंगे, तार कैसा होता है बेलनकार होता है ना, तार होता बेलनकार है ना, बेलनकार जो इसका काम करता होगा जानता होगा किस आकार का होता है, ठीक है। सब लोग तो अपना घर में बनाते ही होंगे लगभग, एक बीच के यल मान लेवे तिरियम। अगौस के प्रमेय का अनुप्रयोग करना है तो फाई ई बराबर अभी आप पढ़े थे ना, ई इंटू ए वेक्टर, फिर काश जीरो हो जाए खाली ई इंटू ए लिख लो, और फाई की जगह पर आप क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे क्योंकि आप ओम का नियम का प्रयोग पढ़ रहे हैं। ई के जगह पर ई रखो, हाई तो बेलन है, बेलन के बक पृष्ठ क्या होता है टू पाई आर यल। अब इधर आ जाओ, अब भाई ई तो निकालना है, ई तो निकालना है, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू आई टू पाई आर यल बराबर क्या हो जाएगा ई, तो अब क्यू बटा यल के जब लेमडा होता है ना, तो लेमडा बटा टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर ई बराबर आपका सिद्ध हो जाएगा। बोलो सिद्ध कर लो, तुमको समझ में आ रहा है तो भाई फास्ट पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि मान लो कि लिखी हुई है कापी बनाई है लिखा गया है साहब, नहीं लिखा होगा तो किससे मांग कर वो कैसे पूरा लिख ला भी कापी कहाँ बा। अच्छा घर रख लो पेटी में, तो ये आपका सीध हो जाएगा इस तरीके से कर लगे। हाँ